संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के द्वारा 7वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप खेल प्रतिस्पर्धा का 5 दिवसीय आयोजन नेपाल में आयोजित किया गया। इस खेल में भिलाई 3 स्थित ड्रीम सिटी की सुश्री डिंपल चिंदेकर ने भारत को तवा फेंक में रजत पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। इस खेल में प्रथम स्थान पर बांग्लादेश, द्वितीय स्थान पर भारत व तृतीय स्थान पर चीन रहा। बीते दिनों नेपाल में संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन के द्वारा 5 दिवसीय 7वीं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए तवा फेंक में डिंपल चिंदेकर ने रजत पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया है। यहां हम बता दें कि भिलाई 3 ड्रीम सिटी निवासी डिंपल के रजत पदक प्राप्त कर देश को गौरवान्वित करने पर माता पिता ने भी हर्ष जताया है। अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर मां ने रूंधे गले से खुशी के आंसू छलकाते हुए सभी माता पिताओं से बेटी के लिए जज्बात जाहिर किए, तो वहीं पिता ने अपनी पुत्री की मेहनत को अपनी जुबानी बयां किया। सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, पूरे भारत के लोगों को, और मेरी बेटी जो जीत के आई है। ऐसे में हर लड़कियों जिसके माँ बाप लोग जो अपनी बच्चियों को इस लायक नहीं समझते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, पर लड़कियाँ इतनी मतलब उनके माँ बाप अगर सपोर्ट करें तो लड़कियाँ इतनी मतलब आगे बढ़ सकती है कि भारत का नाम लड़कियाँ लड़के दोनों ही भारत का नाम को रोशन करेंगे। और आज जो भी है मेरी लड़की, हमने सपोर्ट किए हैं हमारी बच्ची को, तो आज हमारी लड़की इतने दूर तक गई है। और जो भी है, हर माँ बाप को यही बोलती हूँ, जिस तरह मेरी लड़कियों को मैंने अपनी लड़कियों के, हम दोनों माँ बाप अपनी लड़कियों को इतना दूर तक ले गए हैं, तो उस तरह हर लड़कियों, हर माँ बाप को मैं ये बोलती हूँ कि अपनी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं है। लड़के जो हैं तो उससे बढ़ के लड़कियां कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, पर हर माँ बाप, कुछ लोग के माँ बाप ऐसे हैं कि लड़कियां नहीं करेगी, तो क्या शादी होने के बाद तो चूल्हा चौका हर माँ बाप, हर लड़कियां कर सकती है, दोनों मिल के कर सकती है, चूल्हा चौका भी कर सकती है और अपने जो भी अपने जो फील्ड में है वो भी कर सकती है। आज मेरी लड़की अपना हर काम अपने घर का भी करती है और जो उसके जो भविष्य में जो करना चाहती है वो करती है। मैं हर माँ बाप को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कमजोर नहीं है, माँ बाप ही उनको आगे बढ़ा सकते हैं। माँ बाप अगर साथ दे अपनी बच्चियों का तो लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं। उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ग्राउंड जाना, फिर वहां से 9-10 बजे आना, फिर थोड़ी देर आराम करना, खाना पीना खाना, और डाइट की वजह से तो ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते, फिर उठ के चले जाना कोचिंग जाना, फिर वहां से और ग्राउंड जाना शाम के समय, फिर वहां से 7 बजे आना, सुबह से दिन से जो 4 बजे चालू होते हैं रात के तक के वो मेहनत करते रहते और बहुत मेहनत करते हैं, इसी वजह से आज इतने मुकाम पे पहुंचे हैं। और जो अभी जो उपलब्धि इस बार की आई है, इसके पहले भी नेशनल, बहुत नेशनल हो चुके हैं, 6-7 नेशनल हो चुके हैं, और एक ही गेम में नहीं, 2 बॉल बैडमिंटन भी है, खो खो वगैरह भी है। स्कूल लेवल से इन्होंने स्टार्ट करा था, कॉलेज लेवल में भी बहुत नेशनल जीते हैं इन्होंने, और इंटरनेशनल इनका 2 है, ये दूसरा इंटरनेशनल है, एक UAE में दुबई में हुआ था जिनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी सिल्वर लेके आए हैं, और आगे भी ये बहुत नाम रोशन करेंगे, और आगे हमारी कामना है कि बहुत आगे बढ़े ओलंपिक। और मेरा नाम लोकेश चिंदेकर। वहीं इस फ्रेंडशिप खेल स्पर्धा में तवा फेंक में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली खिलाड़ी डिंपल ने भी अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। ये नेपाल में हुआ था, जो भारत के बॉर्डर से जितने भी देश लगे होते हैं सबका एक फ्रेंडशिप टूर्नामेंट था, जो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश 1st, 2nd इंडिया, 3rd चाइना आया। तवा फेंक था मेरे इवेंट में 8 लोग थे, 8 देश था, टोटल ऐसे 4000 के आसपास लोग थे और इंडिया से 200 के आसपास लोग गए हुए थे सारे इवेंट्स को मिला के। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रही हूँ और गेम पे पूरा फोकस रहता है, सुबह भी प्रैक्टिस करती हूँ, शाम के भी प्रैक्टिस करती हूँ।
का, और बैडमिंटन भी खेलती हूँ कि शोल्डर पावर चाहिए उसी के लिए। बस मेरा तो यही एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने वजूद को खोएंगे, क्योंकि हम अदर एक्टिविटीज़ में या अदर चीज़ों में ध्यान नहीं देते, हम केवल एक कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा किनारे करेंगे तो हम बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। मैं स्वयं भी ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करती हूँ, लेकिन केवल काम के पुरतन, ज़्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में डिंपल ने रजत पदक जीतकर अपने देश, प्रदेश व जिले को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज टीम भी डिंपल के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करती है और साथ ही ढेरों शुभकामनाएं देती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट।